मटका या करवा और प्लास्टिक के डब्बे से बनाए सुंदर फ्लावर पॉट आसानी से। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। कोई भी पुराना मटका या करवा ले ले, साथ में घर में पड़ा कोई भी पुराना डब्बा ले ले, लोहे या प्लास्टिक कोई भी डब्बा ले सकते हैं। ये कटर हार्डवेयर की दुकान में आसानी से मिल जाता है। अगर आप क्राफ्ट करते हैं तो आपको ये रखना चाहिए। हमें ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए तो इसी कटर के मदद से इसे हम काट लेंगे। चारों तरफ से एक समान रूप से घुमाकर काट लें। ये वॉल पुट्टी है, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है वॉल पुट्टी, और केवल पानी की सहायता से बहुत ही बढ़िया डो बन जाता है। डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये डो 3 से 4 घंटे तक ही स्टेबल होता है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम डो बनाते हैं, और काम करते हुए इसे हम हमेशा गीले कपड़े से ढक के रखते हैं। वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें। डो से पतले शीट्स बनाएं। अगर आपका डो बढ़िया बना है तो ये नॉन स्टिकी होगा। डब्बे पे वॉल पुट्टी का घोल कहीं कहीं लगाएं। जो शीट आपने बनाया है उसे आराम से चिपका लें। फालतू का हिस्सा नाइफ से हटा दें। ठीक इसी तरीके से दूसरा शीट भी चिपका लें और फालतू का हिस्सा हटा दें। दो शीट के बीच के जॉइंट को केवल पानी के सहारे और नाइफ के सहारे स्मूथ कर लें। ये बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे। चाहे तो उंगलियों से भी ये स्मूथ कर सकते हैं। डब्बे को ड्राई होने के लिए रख दें। मटके पे वॉल पुट्टी के डो से पतला लेयर लगाएं। केवल पानी के सहारे आप इसे स्मूथ करें। ये लेयर काफ़ी पतला होगा। हमें केवल एक बेस चाहिए। पूरे करवा पे समान मात्रा में फैला लें और इसे ड्राई होने दें। हमारा डब्बा ड्राई हो गया है तो इस पे वॉल पुट्टी का घोल लगाकर पतले शीट से इसका बॉर्डर बना लें, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और जो फालतू का हिस्सा है वो चाकू से हटा दें। बॉर्डर की चौड़ाई चारों तरफ एक समान रखें। कोई भी बेकार पेन जो ख़राब हो गया हो उसका ढक्कन लें, और जब डो गीला ही हो यानी सॉफ्ट ही हो तभी ये डिज़ाइन बना लें। हल्का सा प्रेशर देंगे, ये डिज़ाइन बढ़िया बन जाएगा। डो से पतले शीट्स बनाएं और करवा पे वॉल पुट्टी की घोल की सहायता से चिपका लें। जब आपका डो गीला हो तभी नाइफ से इस तरह का टेक्सचर बना लें। आप अपने खुद के पसंद का भी टेक्सचर बना सकते हैं। पूरे करवा पे इस तरह टेक्सचर बना लें और ड्राई होने दें। वॉल पुट्टी से पतला शीट बनाएं और नाइफ की सहायता से इसे बर्फी की तरह आकार दें। इसका साइज 1/2 इंच से कम ही रखें और ढेर सारे बनाकर इसे ड्राई होने दें। दूसरा तरीका ये है कि बर्फी वाले साइज को सुखा लें और शीट पे रख के उसी के साइज का काट लें। या फिर आपके पास कोई बर्फी वाला साँचा हो या फिर आपके पास कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो उसे बर्फी की तरह काट कर और शीट पे रख कर काटते चले जाएं। वॉल पुट्टी के डो से पतला कॉयल बनाएं। करवा पे वॉल पुट्टी का घोल लगाकर इसी कॉयल से पैटर्न को बनाते चले जाएं। आप कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन ले सकते हैं। पहले हल्की सी पेंसिल से लाइन कर लें और फिर वॉल पुट्टी के घोल की सहायता से इनको चिपका लें। एक तरफ डिज़ाइन बनाएं, इसे ड्राई होने दें, फिर दूसरी तरफ काम करें। इसे ध्यान से करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। वॉल पुट्टी के डो से करीब 1/2 इंच के साइज़ का छोटी छोटी पत्तियां बना लें, और जो आपने पैटर्न बनाया है उसमें कंपोजिशन के हिसाब से वॉल पुट्टी के घोल से चिपका लें। आप अपने पसंद से भी पत्तियों का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे पर्ल्स बनाकर ऊपर की तरफ चिपका लें। हमारा डब्बा बिल्कुल ड्राई हो गया है तो जो हमने बर्फी के डिज़ाइंस बनाए थे उन्हें वॉल पुट्टी के घोल की सहायता से इस डब्बे के बीच में चिपका लें, और कंपोजिशन के हिसाब से ऊपर नीचे देखकर बिल्कुल सीधी लाइन में चिपकाएं। इसे आप अच्छी तरह ड्राई होने दें। दोस्तों, क्राफ्ट बनाने के लिए महंगे टूल्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये पुराना चाकू और नेल कटर है जिसपे वॉल पुट्टी की मोटी लेयर चढ़ चुकी है। साथ में ये छोटा वाला बेलन और ये चाक है जो मैंने बंजारे से लिया था। आप चाहे तो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेशनरी की दुकान पे क्ले टूल के नाम से मिलता है। मैंने अपने हिसाब से कुछ लकड़ियाँ ली और इसे शार्प करके ये टूल बना लिया। हमारा क्राफ्ट अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है तो कलर शुरू करते हैं। एक्रेलिक कलर से कलर करें। पहले एक कोट करें, उसे ड्राई होने दें, फिर दोबारा कोट करें।
जरूरत हो तो तीसरी बार भी कोट कर सकते हैं। आप अपने पसंद से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। एक बार जब ये ब्लैक कलर हो जाए तो इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने दें। स्पंज के ऊपर मेटालिक कॉपर कलर लगाएं, बॉर्डर पे धीरे धीरे स्पंज से कोटिंग करते चले जाएं। इसके साथ ही बर्फी वाले डिज़ाइन पे एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे डिज़ाइन पे ये कॉपर कलर कर लें। जो बच गए हैं उन्हें मेटालिक गोल्ड से कलर करें और ड्राई होने दें। अब आप छोटे वाले कट मिरर्स ले लें, बर्फी वाले डिज़ाइन के ठीक बीचों बीच फेविकोल की सहायता से ये कट मिरर चिपका लें। इसके साथ ही जो मटके का पैटर्न बनाया था वहाँ भी अगर आपको लगे तो कहीं कहीं चिपका सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। एंटिक लुक दिखाने के लिए मटके को ब्लैक कलर से कलर करें और मेटालिक ब्रॉन्ज कलर से जितने भी टेक्सचर हैं उन सबको कोट करें। एक कोट से ना हो तो दोबारा कोट करें। मटके के ऊपर डिजाइंस को गोल्ड कलर से कोट करें। पैटर्न के साथ जो पत्तियां हैं इन्हें आप अपने पसंद के हिसाब से कलर कर लें। इन्हें ड्राई होने दें। तो दोस्तों, घर में पड़ा मटका या करवा और प्लास्टिक का डब्बा जिसे आप फेंकने वाले थे उसी की मदद से ये खूबसूरत सा फ्लावर पॉट तैयार है। इस फ्लावर पॉट में मिट्टी ना डालें। अगर पौधा लगाना है तो पहले प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक के छोटे पॉट में पौधा लगाकर इसमें रख सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा सकते हैं। क्राफ्ट अच्छा लगता है और सीखना चाहते हैं तो ये 3 वॉलपुटी क्राफ्ट के बेसिक क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्राफ्ट बनाने के लिए ग्लूगन और महंगे टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको 2 खूबसूरत हाथ दिए हैं। कला इन्हीं में छिपी है, बस इन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल क्राफ्ट पॉकेट पे आकर ढेरों ऐसे बजट वाले क्राफ्ट देखकर अपनी कला को निखार सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले हजारों क्राफ्ट आइडिया के फायदे ले सकते हैं। तो देर न करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।